हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो फॉर 12th स्टूडेंट्स है। जी हाँ, 12th स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि वो 100 में से 4 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हैं विद दिस वीडियो। जी हाँ, 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में एक सम गुडविल का पूछा जाता है, तो आज हम गुडविल का सम कर रहे हैं और उसमें सारे मेथड कवर होंगे। जो कि फर्स्ट मेथड आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन द गुडविल ऑफ द फॉर्म इक्वल टू 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, एंड सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, फिफ्थ है एज पर कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, एंड सिक्स्थ है एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। जी हाँ सर, ये 5 जो 6 टोटल मेथड्स है, इनके अलावा कोई और दूसरा मेथड नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने देख लिया कि हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है विद दीज 6 मेथड्स। सो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या प्रोवाइड रहेगी? आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड रहेगी, आपको टोटल एसेट दिया जाएगा, आपको टोटल लायबिलिटी दी जाएगी, आपको एक रेट ऑफ रिटर्न दिया जाएगा, और आपको ईयर्स एंड उनके प्रॉफिट दिए जाएंगे जिस हिसाब से आपको जो जिस मेथड कहा जाए एग्ज़ाम में, वो मेथड से आपको सम सॉल्व करना है। ये वीडियो आपको 6 के 6 मेथड बता देगा, एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही मेथड आता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि हमें एसेट में दिया गया है ₹10 लाख और लायबिलिटी में दिया गया है 2 लाख, रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है 10% एंड 5 ईयर्स है और उनके 5 प्रॉफिट है। और यहाँ पे हमें सबसे पहले कैलकुलेशन द गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, हमें कैलकुलेशन करनी है गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे सारी कैलकुलेशन की हुई है, मैं आपको समझाता जाता हूँ। यहाँ ईयर्स लिख दीजिए आप 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, और यहाँ आप उनके प्रॉफिट लिख दीजिए 90, 110, 120, 130, 140 एंड 590। सो हमें एज पर लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज़ करना है। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला रहता है इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सो यहाँ आपका टोटल प्रॉफिट क्या रहेगा, आप प्रॉफिट का टोटल कर दीजिए, ये आपका टोटल प्रॉफिट आ गया। एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितने हुए, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो 5,90,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो जो आपका प्रॉफिट आया वो आपकी गुडविल हुई। ये है एज पर लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिर्फ आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड निकला। सेकंड हमें कैलकुलेशन करना है गुडविल इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स परचेज। तो आप जब कभी भी आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेस दे दी जाए तो वहाँ से आप गुडविल निकाल सकते हो। तो गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। सो हैज़ अबव कैलकुलेशन, हमने अभी कैलकुलेशन किया, 1,18,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आया। अब इनटू करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स जितना क्वेश्चन में दिया जाए। यहाँ क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेस है 3, तो हमने इसको इनटू 3 किया, तो जो हमारा आंसर आया वो हमारी हुई गुडविल। ये गुडविल निकालने का तरीका था एवरेज प्रॉफिट। सो यहाँ 90, 110, 120, 130, 140 इंक्रीज होने के बाद भी मैंने जस्ट आपको एक एवरेज प्रॉफिट मेथड बताया है कि ये सोल एवरेज प्रॉफिट मेथड ऐसे करते हैं, वरना जब भी प्रॉफिट इंक्रीज होता जाता है तो आपको यूज़ करना पड़ता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एंड थर्ड, अभी हमें यहाँ पे गुडविल एज पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से सोल्व करना। अब इसी क्वेश्चन को हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे सोल्व करें, यहाँ आपको ईयर्स दिए जाते हैं, यहाँ आप प्रॉफिट लिखोगे। अब हर एक प्रॉफिट को हम वेट देते जाएंगे, स्टार्ट करेंगे 1 से 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी हम यहाँ निकालेंगे हर साल का वेटेड प्रॉफिट, 90,000 × 1 = 90,000, 1,10,000 × 2 = 2,20,000, 1,20,000 × 3 = 3,60,000, 1,30,000 × 4 = 5,20,000,
1,40,000 इंटू 5 इक्वल्स टू 7,00,000। अब हम इन सब का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 18,90,000। और यहाँ वेट का भी टोटल किया जाएगा तो वेट का टोटल होगा 15। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकाला जाता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेगा? टोटल वेटेड प्रॉफिट जो आपका ये निकला डिवाइडेड बाय टोटल वेट जो कि ये है, तो 18,90,000 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 1,26,000 वो जो आया, ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया। इसके बाद क्या करना है? तो गुडविल का फॉर्मूला यहाँ आपका आता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट शॉर्ट में लिखा है WAP इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। हम क्वेश्चन में देखें तो इन्होंने नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट में 2, तो यहाँ पे 1,26,000 जो आपका यहाँ आया इनटू 2 करोगे तो जो भी आंसर आएगा, जैसे कि 2,52,000 यहाँ आया, वो आपकी हुई गुडविल। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप। फोर्थ मेथड पे यहाँ पे हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। फ्रेंड्स, सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए आपको टोटल 6 स्टेप याद रखने पड़ते हैं। पहले मैं स्टेप कह देता हूँ। सबसे पहले स्टेप होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। सेकंड आपका आता है ERR, जैसे कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड स्टेप होता है, वहाँ आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाला जाता है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। मीन्स के कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको आप शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हैं 1:2, मीन्स के स्टेप 1:2। फिर फोर्थ स्टेप आपका आता है एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगेगा, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो मैंने यहाँ निकाल के रखा है 1,26,000, तो सेम एज इट इज़ आपको 1,26,000 वहाँ लिख देना है। फिर फिफ्थ आपका सुपर प्रॉफिट निकलेगा, स्टेप होगा फिफ्थ का। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला उससे माइनस करिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका होगा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ इयर्स परचेज जो कि यहाँ दिए गए थे आपको 4 इयर्स, तो उनसे करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, यहाँ जो आंसर आया 1,84,000, ये आपका हुआ गुडविल। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो आपको टोटल एसेट दिया गया है यहाँ पे 10,00,000 और लायबिलिटी दी गई है 2,00,000, तो 10,00,000 में से 2,00,000 माइनस करते ही जो आंसर आया वो आपका हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि है 8,00,000। ERR जो आपका दिया गया है वो है 10%। क्वेश्चन में दिया गया है ERR 10%। ये रहा। एंड नाउ कम टू द थर्ड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जैसे कि मैंने कहा था 1:2, 8,00,000 × 10% इक्वल्स टू 80,000। नाउ कम टू द एवरेज प्रॉफिट। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कैसे हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे 1,26,000। नाउ कम टू द स्टेप 5 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है 4-3, ऐसे भी याद रख सकते हैं, या तो फिर एवरेज या जो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया उसको माइनस करिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से। तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट आपका 1,26,000 था। 1,26,000 − 80 किया, जो भी आंसर आया ये आपका हुआ सुपर प्रॉफिट जो कि 46,000 है। अब इस सुपर प्रॉफिट को जब हम नंबर ऑफ इयर्स इनटू करेंगे तो हमें मिल जाएगी गुडविल। 46,000 हमारा सुपर प्रॉफिट था, इनटू नंबर ऑफ इयर्स 4 थे, तो यहाँ आंसर आया 1,84,000, ये हमारी हुई गुडविल। ये गुडविल थी सुपर प्रॉफिट मेथड से। एग्जाम में 90% चांसेस है कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी पड़े, एंड 90% सेम चांसेस है कि आपको सम कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल की मेथड से सोल्व करनी पड़े। फर्स्ट स्टेप एज इट इज रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि मैंने पिछले सुपर प्रॉफिट में आपको बता दिया है। सेकंड स्टेप भी वही रहेगा ERR 10%। थर्ड स्टेप भी आपका वही रहेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फोर्थ स्टेप में चेंजेस है, वो स्टेप यहाँ आपका कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालोगे। कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ERR। जी हाँ, इनटू 100 आप तब करेंगे जब आप ERR में परसेंटेज नहीं करते हैं। अगर ERR में परसेंटेज गिनते हैं
तो आप इंटू 100 नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 1,26,000, तो 1,26,000 को डिवाइडेड बाय 10% करते हो तो यहाँ आपको इंटू 100 नहीं लेना है। अगर आप नहीं लेते हो तो डिवाइडेड बाय इंटू 10 करके इंटू 100 कर दीजिए, तो आपको कैपिटलाइज प्रॉफिट 1,26,000 आपको मिल जाएगा। फिफ्थ स्टेप गुडविल का अभी यहाँ चेंज हो जाएगा। लास्ट हमने पढ़ा था कि गुडविल का फॉर्मूला है SP इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन यहाँ रहेगा आपका कैपिटलाइज प्रॉफिट जो फोर्थ स्टेप पे निकाला माइनस करोगे कैपिटल एम्प्लॉय जो फोर्थ स्टेप है, तो 1,260,000 माइनस 8,00,000 करोगे तो जो आंसर आया वो आपका हुआ गुडविल 4,60,000। नाउ कम टू द लास्ट मेथड सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। इसका आने के है पूरे के पूरे 99% चांसेस जी। फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, सेकंड स्टेप आपका जो रहेगा वो रहेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वही सेम, थर्ड स्टेप जो रहता है आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ चेंज हो जाता है वो रहता है कैपिटल एम्प्लॉयड और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वही सेम 8,00,000 to 10%। फोर्थ स्टेप जो रहता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट वो भी सेम ही रहता है जो हमने कैलकुलेशन के हिसाब से किया। यहाँ पे जब सुपर प्रॉफिट है फिफ्थ स्टेप, फोर के फोर स्टेप एज इट इज़ आपके सुपर प्रॉफिट मेथड के है। सिर्फ फिफ्थ स्टेप में जो आपको सुपर प्रॉफिट है यहाँ पे भी सुपर प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। आपका जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया उसको माइनस करोगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से। जी हाँ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को माइनस करोगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से। आपका वेटेड प्रॉफिट आया 1,26,000, उसको माइनस करो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 80,000 से, आपका आंसर आएगा 46,000। यहाँ आपका सुपर प्रॉफिट इस तरह से निकलेगा। लास्ट सिक्स्थ है गुडविल। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ERR। यहाँ पे भी गुडविल का फॉर्मूला चेंज हो गया, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ERR। सुपर प्रॉफिट आपका है 46,000 डिवाइडेड बाय ERR करोगे 10% लिखना यहाँ पे, तो 46,000 डिवाइडेड बाय 10% 4,60,000 यहाँ आपका आ गया गुडविल। फ्रेंड्स आपने 100 में से 4 मार्क्स कवर कर लिए हैं विद दिस वीडियो। शेयर करना जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू। अच्छा लगे वीडियो देन लाइक।